हमें अपना साइंस प्रोजेक्ट चार्ट बनाते वक्त कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एक कलर चार्ट चाहिए होगा, इनमें से कोई भी एक कलर चार्ट हो सकता है। उसके साथ साथ हमें चाहिए होंगे कलर A4 साइज शीट पेपर्स, और इसके साथ साथ हमें चाहिए होंगे कलर स्केच पेन, और हमें इसके साथ साथ चाहिए होंगे पेंसिल, रबड़, कैंची, पेन, ब्रश, पेन और पटरी, और हमें चाहिए होगा कलर टेप अपने चार्ट पर लगाने के लिए, और इसके साथ साथ हमें एक थर्माकोल चाहिए होगा जिस पर कि हम अपने चार्ट को चिपकाएंगे, और इसके साथ साथ हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे जैसे कि ग्लू गम गन, जिससे कि हम अपना चार्ट आसानी से बनाएंगे। और दोस्तों एक आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए, दोस्तों अगर आप यह चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, आप कोई दूसरा चार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट मॉडल चार्ट 100+ के नाम से बनाई गई है, जिसमें 100+ चार्ट मॉडल प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें से कोई एक चार्ट आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो सकता है। ये वो प्लेलिस्ट रही जिसमें कि 100+ प्रोजेक्ट मॉडल और चार्ट दिए गए हैं। हमें अपना चार्ट बनाते वक्त कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। एक पेंसिल ड्रॉ करने के लिए, एक रबर उतारने के लिए, एक कटर, दो स्केच मोटे वाले, एक स्केच इससे पतला, और कुछ स्केच हमें पतले वाले चाहिए होंगे इस टाइप के, जिसे कि हमको राइट करना होगा, लिखना होगा और आउटलाइन करनी होगी। एक कम मोटा स्केच जो कि मोटे वाले स्केच से कम मोटा होगा। इसके साथ साथ हमें स्पार्कल पेन जो किरकिरा वाले होते हैं जिनको स्पार्कल पेन कहा जाता है, पेन चाहिए होगा एक। इसके साथ साथ हमें दो पतले वाले पेन चाहिए होंगे, मतलब कि दो पतले मार्कर, जो पतले मार्कर आते हैं जैसे कि आउटलाइन की जाती है, तो इस प्रकार से दो पतले मार्कर हमको चाहिए होंगे। इसके साथ साथ हमें कलर पेन चाहिए होंगे, 3-4 कलर पेन जैसे कि ये देख रहे हैं आप, उनको हटा देते हैं। ये आपके 3 कलर पेन हुए। इसके साथ साथ हमें एक कटर चाहिए होगा, जैसे कि हमें कुछ काटना होगा तो इस कटर से हम कुछ काट सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक गम चाहिए होगा, जैसे कि हम कोई भी चीज़ चिपका सकें, तो ये हमारा गम हुआ, इस गम से हम कुछ भी चिपका देंगे। इसके साथ साथ हमें टेप चाहिए होंगे कलर वाले, ये आप देख रहे हैं ये कलर टेप, इन कलर टेप से हमें आउटलाइन करनी होती है अपने चार्ट की, तब इन टेप से अपने चार्ट की आउटलाइन कर लेंगे। इसके साथ हमें एक कैंची भी चाहिए होगी क्योंकि हमें कुछ काट कर चिपकाना पड़ सकता है। चार्ट बनाने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं कि जैसे कि जिस सतह पर हम चार्ट बना रहे हैं उसके नीचे की सतह प्लेन होनी चाहिए, खुरदरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो सतह खुरदरी होती है तो हमारा चार्ट फट सकता है। तो सबसे पहले नीचे आपके मेज़ होनी चाहिए या आप फर्श पर भी चार्ट बना सकते हैं। चार्ट बनाते वक्त जब हम चार्ट को रखते हैं तो चार्ट हमारा गंदा नहीं होना चाहिए, और हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। अगर चार्ट हमारा गंदा हो जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारा चार्ट साफ़ सुथरा हो इसके लिए हमें मेज़ पर या जिस चीज़ पर हम बना रहे हैं वहाँ पर हमें प्लेन पेपर बिछा देना चाहिए, प्लेन पेपर या कोई आप अखबार में बिछा सकते हैं ताकि हमारा चार्ट गंदा ना हो। चार्ट बनाते समय दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि हमें जब चार्ट हम जब जिस अपने चार्ट को जब फैलाते हैं तो चार्ट हमारा कभी कभी इधर को आने लगता है या इधर से इधर को फोल्ड होने लगता है, तो हमें अपने चार्ट को इसको साइडों पर कुछ रख कर इसको इस प्रकार से हम इसकी साइड को दबा देनी चाहिए किसी चीज़ से ताकि हमारा चार्ट फोल्ड ना हो। इधर भी हम इसको दबा, जब हम चार्ट पर पेंसिल अपनी चलाते हैं या कोई भी चित्र बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हमें पेंसिल को डॉटेड चलाना है। कोई भी चित्र बना रहे हैं तो हमें पहले डॉटेड पेंसिल बनाते हैं ऐसे ऐसे डॉटेड चलाते हैं। जब हमारा चित्र बन जाता है तो हम अपनी पेंसिल से डॉटेड को मिला देते हैं
और फिर जब चित्र बन जाता है तब इसको हम डार्क कर देते हैं, क्योंकि अगर हम पहले ही डार्क बनाएंगे, अगर हमें बीच में कहीं पर मिटाना पड़ जाता है तो वो बहुत भद्दा लगने लगता है और हमारा चार्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमें डॉटेड लाइन बनानी है, क्योंकि डॉटेड लाइन जब हम बनाते हैं तो उसको मिटाना आसान लगता है, और जब हम उसको मिटाते हैं तो हमारे चार्ट पर कोई भी निशान नहीं पड़ता है और हमारा चार्ट देखने में भी अच्छा लगता है। अगर हम पहली ही बार डार्क लाइन बना देंगे तो चार्ट हमारा जो है भद्दा लगने लगेगा और मिटाते हुए हमारा चार्ट बहुत हल्का हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया अपने चार्ट पर दर्शाना चाह रहे हैं तो यह चार्ट आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है और आपकी मदद कर सकता है आपके चार्ट बनाने में। तो देख, आपको बताते हैं आपको किस प्रकार से अपना चार्ट बनाना है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। आपको इस तरह से जो है एक प्लांट बनाना है, सन बनाना है, तो आपको सबसे पहले नीचे से शुरू करना है। आप यहाँ का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका नामकरण करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इनका नामकरण आप ज़रूर करिएगा और बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों में। इस तरह से आप ये घास भी बनाएंगे यहाँ पर, इसको जो है पेंसिल कलर का यूज़ करिएगा जब आप बनाएं, क्योंकि पेंसिल कलर से जो है हमारा चार्ट ख़राब नहीं होता है। और इसके बाद हमें ऊपर का पार्ट बनाएंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है चार्ट बनाने में आसानी रहे। ये प्लांट हम बनाएंगे, ये फ्लावर बनाएंगे, ये फूल बना हुआ है, ये कली है, ये पत्ते बने हुए हैं। तो जब इतना काम आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप सबसे ऊपर जो है यहाँ पर सन बनाएंगे। सन से जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है क्लोरोफिल के माध्यम से होती है। इसके बाद आप यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हेडिंग डालेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेडिंग बहुत ही अच्छे शब्दों में डालनी है और इसका नामकरण जो है आप अच्छे से करिएगा और इधर एरो भी दर्शाइएगा। तो इस तरह से आपका चार्ट जो है बहुत अच्छा लगने लगेगा देखने में, क्योंकि यह चार्ट बहुत अच्छा बना है और मुझे आशा है आप भी इतना ही अच्छा चार्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद आपका चार्ट जब बन जाए फिर आपको यहाँ पर इसकी टेपिंग करनी होगी चारों तरफ से। कोई भी कलर टेप आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको चार्ट जो है वाइट ही प्रयोग करना है, क्योंकि वाइट चार्ट में जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत ही अच्छी दिखने लगेगी वाइट चार्ट पर, क्योंकि जो है ऐसे चित्र साइंस के होते हैं वाइट चार्ट पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आपका चार्ट बन के तैयार हो जाएगा, और चार्ट बनने के बाद आप अपने चार्ट को जो है एक थर्माकोल पेपर पर टेप की मदद से चिपका देंगे ताकि जो है आप अपने चार्ट को खड़ा करके जो है दिखला सकें कि आपका चार्ट जो है खड़ा हो सके एक हाथ से और आप इसको प्रेजेंट कर सकें अच्छे से। एक आवश्यक सूचना दोस्तों, अगर आप यह चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, आप कोई दूसरा चार्ट बनाने का मन करता है आपका, तो आप हमारी प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट मॉडल चार्ट 100 प्लस के नाम से एक बनाई गई है जिसमें 100 प्लस चार्ट मॉडल प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें से कोई एक चार्ट या वीडियो या मॉडल या प्रोजेक्ट आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो सकता है। वहाँ से आप उनको देखकर अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको 100 प्लस मॉडल और चार्ट और प्रोजेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देखकर अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और जिन फ्रेंड्स ने भी या दोस्तों हमारे दोस्तों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो फ्रेंड्स कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा, हमारे चैनल वीडियो को शेयर भी किया होगा अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।